क्या हुआ फ्रैंकलिन, हमें अपने घर में देखकर तुम शॉक्ड हो गए या डर गए? तुम्हारी जानकारी के लिए हेल्डेमन तुम्हें बता देता है कि तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी हमारे कब्जे में है और आधे को तो हमने जान से मार दिया, जिनमें से नाम है गोकू, नारुतो, सैतामा, और आधे को हमने बंदी बना कर रखा है और कुछ देर बाद उन्हें भी मार दिया जाएगा। और हमारे कब्जे में है डेमन क्वीन और फ्रैंकलिन तुम्हारी बीवी रोज हमारे कब्जे में है। अभी तो उसे हम लोगों ने नहीं मारा, बट उसकी और डेमन क्वीन की हम लोग बलि चलाएंगे और फिर हम जिंदा करेंगे पिरामिड के महाराजा विक्टर को, जो पिरामिड के किंग है। किंग? नहीं 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 नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हो हेल्डेमन, ताकि मैं तुमसे डर जाऊं और तुमसे मुकाबला ना करूं और अपने फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के मरने से डर के छुप जाऊं। ऐसा नहीं है, मेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, वो ऐसे वैसे लोगों के हाथों तो बिल्कुल ही नहीं फंस सकती, और जिसमें से तुम्हारे हाथ, तुम तो शक्ल से ही बेवकूफ लगते हो हेल्डेमन। हो सकता है फ्रैंकलिन, अपनी आंख से देखो, इन लोगों के कब्जे में है डेमन क्वीन, तो मानी सी बात है हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी भी इनके कब्जे में ही होगी। और इन्होंने जैसा कि कहा कि इन लोगों ने हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को आधे को खत्म कर दिया है, इसका मतलब नारुतो, गोकू, गोजो मर चुके हैं। क्या हुआ फ्रैंकलिन, मेरी दोबारा एंट्री से तुम्हारी हालात खराब हो गए क्या? देखा, तुमने मेरी फैमिली को खत्म किया था, अब मैं तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को ही पूरा खत्म कर दूंगा। मैं अकेला पड़ गया था, फिर मैं गॉर्डेंस के पास गया, क्योंकि गॉर्डेंस की बहन हिल गॉर्डेंस, जिसका बेटा डेमन हिल है, मैं उसे लेकर आया और तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को डेमन हिल ने खत्म कर दिया है। क्या हुआ फ्रैंकलिन, हमारे बारे में जानकर तुम डर गए क्या? मुझे पहचाने नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ गॉर्डेंस, और तुमने मेरी बहन हिल गॉर्डेंस को मारा था ना, मैं उसके बेटे को लेकर आई हूँ। ये जो हिल डेमन है ना, ये मेरी बहन का बेटा है, जिसको लोग बोलते हैं डेमन हिल, और मैं इसकी आंटी हूँ। बेटा, तुम फ्रैंकलिन और उसके पूरे आर्मी को खत्म कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी पूरी जिंदगी। और फ्रैंकलिन, तुम्हें तो मैं खत्म करके ही रहूंगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यार गाइस, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना खतरनाक गेम खेला, मैंने पिछली वीडियो में डेविल लॉर्ड के बेटे को खत्म कर दिया था भाई, तो डेविल लॉर्ड बदला लेने के लिए भाई उसने तो पूरी की पूरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को ही खत्म कर दी। भाई इतना बड़ा कमीना कौन हो सकता है? और देख रहे हो भाई, अपने साथ कितने गॉड्स को लेकर आया है, देख रहे हो? ये है गॉर्डेंस, जो इसकी बहन थी हिल गॉर्डेंस, उसका बेटा हेल्डेमन को लेकर आ गई है, जो काफी पावरफुल है और हमें खत्म कर देगा। और ये है डेमन गॉड और डेमन क्वीन इनके कब्जे में है, मतलब इससे प्रूफ होता है कि ये लोग जितनी बातें बोल रहे हैं भाई सच बोल रहे हैं। इन्होंने लगता है फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को खत्म कर दिया। यार गाइस, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा डेमन गॉड। ये ले, तूने गलती कर दी फ्रैंकलिन, मुझे धक्का देकर अब तू मरेगा। सुनो हेल आर्मी, इन सबको खत्म कर दो, इन सबको जीने का कोई हक नहीं, पहले तो तुझे खत्म करूंगा फ्रैंकलिन। ये ले। यार गाइस, क्या देख रहे हो? फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इससे बच सकूं। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता फ्रैंकलिन, ये ले ये ले ये ले। यार गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे इस हेल डेमन से कोई बचा सके। फ्रैंकलिन, तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे, मैं तो तुझे खत्म कर दूंगा, और तेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को तो खत्म कर चुका बहुत पहले, और मुझे अपने पिताजी को जिंदा करना है, जो उस पिरामिड में कैद हैं, और उन्हें सिर्फ एक तरीके से जिंदा किया जा सकता है, वो है पवित्र खून, और वो पवित्र खून सिर्फ रोज और डेमन क्वीन के अंदर है। इन दोनों की बलि चढ़ाकर मैं अपने पिताजी को जिंदा करूंगा और अपनी मदर, मतलब अपनी माँ को जिंदा करूंगा, जिनका नाम है हेल क्वीन। खत्म कर दो फ्रैंकलिन के सारे साथी को। डेमन गॉड तुम्हें खत्म करेगा, तुम्हारे फ्रैंकलिन को तो डेमन हेल तो खत्म कर दिया, अब डेमन गॉड तुम
लोगों को खत्म करेगा लूसिफर। तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को तो मैंने कब को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है लूसिफर। यार दोस्तों, ये हमारे पूरे आर्मी को खत्म कर रहे हैं, आप ही लोग हम लोगों को बचा सकते हैं। प्लीज प्लीज फटाफट से कमेंट्स में लिखो फ्रैंकलिन ओपी, ताकि फ्रैंकलिन के पास पावर आ सके या फ्रैंकलिन को कोई हेल्प मिल सके दोस्तों, ताकि फ्रैंकलिन हमें बचा सके। अब मुझे नहीं लगता कि हम बचेंगे, क्योंकि हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी खत्म हो चुकी है। हाँ, हम लोगों ने फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी खत्म कर डाली। खाली कोई बचा है तो रोज, और रोज की भी हम सब बलि चला देंगे। हमें जिंदा करना है, हेल के डैड को जिंदा करना है। डेमन हेल के डैड हमें इस दुनिया पर राज करने सिखाएंगे, और तुम जैसे लोगों को खात्मा करेंगे हम लोग। लूसिफर मारा गया। तू मेरे हाथों से मरेगी सर्बियन, तूने बहुत आतंक मचा लिया है। तूने ही मुझे झूठा झांसा दिया था ना, मेरे बेटे को खत्म किया था। अरे प्लीज दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसकी वजह से हमारी टीम बच सके। नहीं तो ये डेविल लॉर्ड लोग, महल गॉड लोग मिल के हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिए। फाइनली यार, लगता है हम सब कमर में कवक आ चुका है। हाँ, तुम सबका खात्मा होगा। हम तुम्हारे लिए प्लानिंग करके निकले थे कि तुम सबको खत्म कर देंगे। भागो सिंचैन, भागो, अपनी जान बचार कर भागो, वरना ये हम पे रहम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें जान से मार देंगे। हमें अपनी जान बचाने के लिए इस समंदर से कूदना पड़ेगा सिंचैन। अरे मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है सिंचैन, तुम भी जंपिंग करो और हम इस समंदर से पार करके निकलते हैं इस बेस से, वरना ये लोग हमें ढूंढ कर खत्म कर देंगे। सिंचैन, अरे आ रहा हूँ, मैं तो फंस गया बहुत बुरी तरीके से। फ्रैंकलिन भैया को उन्होंने खत्म कर दिया। डेविल गॉड, हम क्या करें, हमें कैसे बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया की जान बहुत बुरे खतरे में है। चलो चलो चलो, हम फ्रैंकलिन भैया को बचाते हैं। चलो चलो डेविल गॉड, वरना वो लोग फ्रैंकलिन भैया को मार डालेंगे। मैंने देखा था, उनकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। ये लोग उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे, इन्हें मार डालेंगे। चलो चलो डेविल गॉड बचाते हैं, अगर हम होते तो फ्रैंकलिन हमें कभी छोड़कर नहीं जाता, वो हमें जरूर बचाता। चलो चलो प्लीज डेविल गॉड, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम बच्चे हो सिंचैन, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम बस इमोशनल में डूबे जा रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। हमें फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी में किसी को तो जिंदा रहना पड़ेगा, ताकि हम फ्रैंकलिन को बचा सके, रोज और डेमन क्वीन को। वो लोग डेमन क्वीन और रोज को बलि देकर अपने डैड को जिंदा करेगा और इस धरती पर राज करेगा। वो लोग डेमन क्वीन और रोज को बलि देकर अपने डैड को जिंदा करे, उससे पहले हमें पिरामिड में पहुंचना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, वो लोग फ्रैंकलिन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे बलि देने के लिए। कहा जाता है किताबों में कि 3 बलि दी जाती है, जिसका खून पाक हो, पवित्र हो, तभी वो मुर्दे जिंदे होते हैं। तो मानी सी बात है, जब 2 हैं तो तीसरे की तलाश में फ्रैंकलिन को लिया जाएगा। और फ्रैंकलिन भी पवित्र है, क्योंकि फ्रैंकलिन एक अच्छा इंसान है। एक अच्छा इंसान का ही खून पवित्र होता है। अब हमें भागना चाहिए सिंचैन, नहीं तो वो हमें खत्म कर देंगे, जैसे तुमने देखा लूसिफर और सर्बियन को खत्म कर दिया, और हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के सारे मेंबर्स को उन्होंने खत्म कर दिया है। मेरे दोस्त, आप लोग क्या उदास है हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के खत्म होने से? अगर उदास है तो प्लीज कमेंट्स में सैड वाला इमोजी जरूर कमेंट्स करना। हमारा दोस्त गोकू, नारुतो, सैतामा, लूसिफर, सर्बियन, ये सब मारे गए दोस्तों। हम अनाथ हो चुके हैं, बट हम हार नहीं मानेंगे। हम हेल डेमन को मजा चखाएंगे और उसके पिता को कैसे भी करके जिंदा नहीं होने देंगे, वरना हम उससे कभी ये फाइट नहीं जीत सकते और ना ही बदला ले सकते हैं। सिंचैन, चलो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हमें अपनी जान बचा के पहले भागना चाहिए, फिर उसके बाद हम इनसे बदला लेंगे। देखा तुम्हारे सामने हमने कैसे तुम्हारे फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन की आर्मी को खत्म कर दिया। अब तुम्हारी बारी भी है डेमन क्वीन और रोज, तुम दोनों का पवित्र खून अपने बहन के पति के ऊपर टपकाऊंगी तो वो जिंदा हो जाएगा। और वो जानती हो कितना खतरनाक है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वो पिरामिड का बादशाह था, बादशाह, पर उसे धोखे से वहां पर दफन करके मम्मी बना दिया गया था, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था और लोगों ने उससे तंग आकर उसे ताबूत में दफन कर दिया था और श्राप दिया था कि जब तक इसके शरीर पर पवित्र खून नहीं गिराया जाएगा तब तक ये जिंदा नहीं होगा। फिर मैंने अपनी बहन के बेटे को इसकी सारी राज बताई, तुम
मेरे बहन के बेटे ने कहा, ठीक है आंटी, मैं अपने डैड को जिंदा करूंगा। और ये जो शहर के लोगों ने उन्हें दफन किया था, मतलब ताबूत में मम्मी बनाया था, उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बारी आई है हेल डेमन के डैड को जिंदा करने की। आ जाओ लड़की, कोई होशियारी नहीं करना, और ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हें कोई बचाने आएगा। तुम तो अपने आँख के सामने ही देख रही हो कि फ्रैंकलिन की बॉडी कैसे जमीन पे पड़ी हुई है। आखिरकार मेरे बच्चे, तुमने फ्रैंकलिन को खत्म कर दिया और उसकी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को। शाबाश मेरे बच्चे। आंटी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे डैड के बारे में नहीं बताती तो आज मेरे डैड के सारे गुनहगार जिंदा होते और मेरी डैड की आत्मा हमेशा तड़प रही होती। आप बारी आई है मुझे अपने डैड को जिंदा करने की। मुझे तीन लोगों की खून की जरूरत थी तो मैंने फ्रैंकलिन को जिंदा ही छोड़ दिया। इसका पवित्र खून मेरे डैड को जिंदा करने का काम आएगा। पर मेरे बच्चे, तुमने ये गलत किया। फ्रैंकलिन अगर हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो, अगर कैसे भी करके वो बच गया तो वो हमें ही खत्म कर देगा। हाँ डेमन हिल, तुम्हारी आंटी सही कह रही है, ये बहुत खतरनाक है, इसे हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसी और का पवित्र खून ढूंढ लेंगे। फ्रैंकलिन को मौका भी है, इसे खत्म कर देते हैं, समझे ना डेमन हिल? नहीं तो तुम्हारी आंटी का कहना सही है, ये फ्रैंकलिन अगर कैसे भी बच गया तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर लेगा फ्रैंकलिन, इसकी बॉडी भी जवाब दे चुकी है। आंटी आप डरिए बिल्कुल भी मत, इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें खत्म कर सके। आंटी आप बेफिक्र रहिए। तुम क्या फ्रैंकलिन को हल्के में समझ रहे हो? फ्रैंकलिन मर के भी जिंदा हो जाता है, और तुम क्या, तुम जैसे को हजारों को फ्रैंकलिन ने खत्म किया है तो तुम क्या हो इसके सामने? देख लेना, फ्रैंकलिन तुम्हें भी खत्म कर देगा हेल डेमन, जो तुम मासूमों की जान ले रहे हो। तू कुछ ज्यादा ही फुदक रही है डेमन क्वीन, तुझे तो मैं अभी बलि चढ़ाऊंगा। चलो फ्रैंकलिन की बॉडी उठाओ और हम चलते हैं पिरामिड, ठीक है ना? और हाँ, कहाँ गया डेमन गॉड, जाकर पता करो वो हेल गॉड और सिंचैन किधर गए हैं। उन दोनों को ढूंढ कर खत्म कर दो, क्योंकि फ्रैंकलिन के आर्मी में अगर कोई बचा है तो वो हैं डेविल गॉड और सिंचैन। उन दोनों को खत्म कर दो, नहीं तो वो कोई ना कोई चाल चलेंगे जरूर हमारे खिलाफ, और हमें खत्म करने की प्लानिंग करके फ्रैंकलिन को बचाने की कोशिश करेंगे। जाओ डेमन गॉड, जल्दी उसे खत्म करो, नहीं तो वो कहीं छुप जाएंगे जाकर। जैसा तुम बोलो हेल डेमन, मैं उसे ढूंढ लाता हूँ डेविल गॉड को और सिंचैन को। इन लोगों को इतनी मजाल की है, हमारे खिलाफ कोई मंसूबा तैयार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इन्हें हम खत्म कर देंगे। कहाँ गए हो? इधर ही से भागे हो ना? इधर ही कहीं हो? मैं तुम लोगों को ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। अब किसका इंतजार है? फ्रैंकलिन की बॉडी उठाओ और चलो पिरामिड। ये रहा मेरे पिताजी का मकबरा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखाता हूँ तुम्हें, ये है मेरे डैड का मकबरा, जाओ। अरे वाह, तुम्हारे डैड का मकबरा तो काफी खतरनाक दिख रहा है हेल डेमन। ठीक है, तुम्हारे डैड की बॉडी कहाँ है? हमें इन्हें जिंदा करना चाहिए जल्दी से, वरना हमारे खिलाफ कोई और ना खड़ा हो जाए। मुझे पता है तुम्हारे डैड इस राज्य के शहंशाह थे, पर उन्होंने लोगों पर बहुत जुल्म किया, जिसकी वजह से लोगों ने मिलकर उन्हें मम्मी बनाकर श्राप दिया था कि जब तक तीन लोगों का पवित्र खून नहीं उनके शरीर पे गिरेगा, तब तक वो दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकते। और पता है, जब दोबारा जिंदा होंगे तुम्हारे डैड, तो सबसे खतरनाक शहंशाह बनेंगे इस शहर के। और मेरे बच्चे हेल डेमन, तुम डरना कभी मत, तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है गॉडेंस, और तुम्हारे साथ मरते दम तक देगी। मुझे अपनी बहन को भी जिंदा करना है, ये मत भूलना मेरे बच्चे हेल डेमन, हमें तुम्हारे मॉम डैड दोनों को जिंदा करना है। तुम्हारे डैड शहंशाह थे तो मेरी बहन सुल्तान थी इस जगह की, और अब हम चलते हैं तुम्हारे मॉम डैड के ताबूत के पास, और इस डेमन क्वीन फ्रैंकलिन और रोज का पवित्र खून टपकाते हैं और तुम्हारे डैड को जिंदा करते हैं मेरे बच्चे। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अपने डैड और मैम को जिंदा करने के लिए बहुत तड़प है, मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ कैसे भी। तो चलिए हम चलते हैं आंटी, अपने डैड को जिंदा करते हैं। आ जाइए आप सब मेरे पीछे अंदर। और हाँ डेमन को
क्वीन किधर रह गई? मैंने उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया है तीनों को। जब हमको उनकी खून की जरूरत होगी तो हम उन्हें लेकर आएंगे हेल्डमैन। तब तक हम तुम्हारे डैड का ताबूत ढूंढते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक किया तुमने डेविल लॉर्ड, ये हमारे साथ साथ रहते तो हमारे सारी प्लानिंग जान जाते। हेल्ड अब चलता है, चलो आ जाओ तुम दोनों, आंटी और डेविल लॉर्ड आ जाओ मेरे पीछे। ठीक है डैड, आप घबराइए नहीं, मैं आपको जिंदा करूंगा दोबारा। यार तुम लोग जिंदा हो, रोज तुम जिंदा हो, डेमन क्वीन तुम भी जिंदा हो। मैं तो सोचा तुम सब के सब मर चुके हो, मुझे तो इतना ज्यादा मारा था हेल डेमन भाई कि मुझे लगा कि मैं बचूंगा ही नहीं दोस्तों। पर आप लोगों ने लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में सैड इमोजी लिखा भाई। पहली बात तो मेरे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी यार दोस्तों। अगर कोई बचा है मेरा इस दुनिया में तो यही रोज और डेमन क्वीन बचा है। बट यार सिंचैन मेरा भाई, उसका क्या हाल होगा? इन कमीनों ने बाप रे, अरे हृदय में कहां गिर गया यार दोस्तों, ये कहां आ गया मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने मेरे सिंचैन के साथ क्या किया और ये कौन सी जगह ये लोग मुझे लेकर आए, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ये कहां मैं आ गया हूँ, ये तो बहुत पुराना प्राचीन मिस्र का पिरामिड है यार दोस्तों। यहाँ पर तो कई राजाओं ने राज किए थे। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो किसी की पिक्चर लगी हुई थी बट हट गई। और बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहे थे, जिसे सहनशाह कहा जाता है। उसे लोगों ने भाई दफना कर मम्मी बना दिया था और वो आज तक श्रापित है। भाई ये क्या चल रहा है, यहाँ पे तो नए जमाने के सोफास वगैरह सामान रखे हुए हैं। ओ अब मुझे पूरी बात समझ आ गई दोस्तों। भाई ये मैं कहाँ टेलीपोर्ट हो जा रहा हूँ बाबा, फाइनली मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों, ये एक पिरामिड है जो बहुत सालों पुराना है। यहाँ पे पहले एक सुल्तान राज किया करता था जिसका नाम था विक्टर हेल भाई, और वो यहाँ के प्रजा के लोगों को बहुत परेशान किया करता था। उन लोगों ने उसकी बीवी और उसको मम्मी बना दिया था, और उसके शरीर पर जब तक तीन शरीरों के पाक खून नहीं टपकाए जाएंगे तब तक वो जिंदा नहीं होगा दोस्तों। फाइनली वो तीन इंसान, मैं, रोज और डेमन क्वीन है भाई, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट से यार दोस्तों। आप यार दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ फाइनली मैं डेमन क्वीन लोग के पास आ गया। सुनो मेरी बात को, तुम लोग ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, कैसे भी करके हमें अपनी जान बचा के यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना वो हेल डेमन का डैड जिंदा हो गया ना तो ये पूरी धरती को नष्ट कर देगा। तुम्हें पता तुम किसके पिरामिड में खड़ी हो, ये हेल डेमन के डैड का किला है, यहाँ पे उसका राज हुआ करता था। तुमने तो उसकी कहानी सुनी है, इतना जल्लाद राजा हुआ करता था भाई, वो कैसे भी जिंदा ना हो बस। तो ठीक है डेमन क्वीन लोग, हम लोग निकलते हैं यहाँ से, चलो 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 रोज डेमन क्वीन, बिल्कुल भी लेट मत करो। वैसे भी मैं तो अपने सारे आर्मीज को खो चुका हूँ, अब मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ। चलो 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 निकलो फटाफट से। फ्रैंकलिन तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, जब से आए हो बस यही हेल डेमन और उसके डैड उसके मॉम, ये क्या बकवास है, ये एक पुराना पिरामिड है समझे ना, और यहाँ पे बहुत सारी मम्मी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मम्मी दोबारा जिंदा हो सकती है, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता समझे ना फ्रैंकलिन। वो हेल डेमन के डैड कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे समझे ना। चलो चलो चलो, पर फिर भी हम यहाँ से निकलते हैं। और तुमने इससे पहले क्या कहा था फ्रैंकलिन कि हमारी आर्मी सब खत्म हो चुके हैं, मतलब A to Z, सिंचैन भी नहीं जिंदा, क्या वो भी मर गया क्या? हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल ठीक कह रहा है रोज, सबके सब मर चुके हैं, हमारे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के एक भी लोग नहीं बचे हैं, जो हैं सब हम तीनों बचे हैं, बाकी सिंचैन से लेकर नारुतो गोकू सबके सब मर चुके हैं, खाली डेमन क्वीन मतलब मैं, रोज मतलब तुम और फ्रैंकलिन, अब हमें अपनी जान बचाकर यहां से निकलना चाहिए, वरना हेल डेमन हमारे पवित्र खून से अपने डैड को जिंदा कर लेगा और फिर इस दुनिया में एक खतरनाक बवाल आने वाला है। चलो आ जाओ तुम दोनों मेरे पीछे, हम फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, ज्यादा बकवास करने का टाइम नहीं बचा। अबे यार ये सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंचा जा रहा हूँ यार दोस्तों, ये कहाँ मैं आ गया। ठीक है लगता है फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ क्या इस पिरामिड से। एक मिनट, ये मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों। ओ ये कौन सी जगह है, ये तो लकड़ी का डाइनिंग टेबल है एंड यहाँ पे तो कैंडल्स रखी हुई हैं और ये समझ भी नहीं आ रहा। ओ भाई ये क्या है भाई, अबे मैंने तो सिर्फ सुना था, यहाँ तो रियलिटी है भाई। यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये कितने पुराने जमाने के सामान है, फोटोज वगैरह है, ये सब
काफी कीमती है। अगर मैंने ले जाकर बेच दूं तो लॉस एंजेलिस में मैं एक अपना खुद का सिटी बना सकता हूं और सबसे रईस इंसान बन सकता हूं भाई। ओ भाई सोना हीरा भाई पूरा तब मेरा है। मैं तो हेल डेमन को मार के और उसके फादर को मार के फाइनली ये सब अपना लूंगा और खुद लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। तो ठीक है अबे एक सेकेंड संभाल के फ्रैंकलिन, और ये दोनों रोज और डेमन क्वीन कहाँ रह गई? ये लोग बेवकूफ है, नहीं मैंने कहा था कि मेरे पीछे पीछे रहना, बट ये लोग मेरे पीछे पीछे नहीं आया दोस्तों। अब मुझे डर लग रहा है कहीं ये लोग हेल डेमन के हाथ ना लग जाए भाई, नहीं तो हेल डेमन खत्म कर देगा। ठीक है फ्रैंकलिन बेटा तो चढ़ते जा। ओ माय गॉड मैं किधर आ गया, लगता है मैं पिरामिड के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया हूँ दोस्तों। फाइनली आप देख रहे हैं कि मैं एक पिरामिड के ऊपर हूँ, बट ये दोनों कहाँ रह गई बेवकूफ लोग? और भाई सब कहाँ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। गॉडेंस तुमने क्या चाल चली है, मैं तो तुम पर फिदा हो गया। गॉडेंस क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? तुमने देखा मेरा दिमाग, मैंने अपनी बहन के बेटे के साथ कैसा गेम खेला, उसे कैसे मैंने झूठ बोला कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे डैड को फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी ने मारा है। बट ऐसा कुछ नहीं था, ना ही फ्रैंकलिन ने मारा ना ही उसकी आर्मी ने मारा। मारा तो हम दोनों ना मिलके उसकी मॉम और डैड को। अब वो अपने मॉम डैड को जिंदा करेगा, मुझे पता है वो उसकी आत्मा, मेरी बहन की आत्मा, मेरे बहन के पति की आत्मा उस शरीर में, और अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देंगी कि उन दोनों को मारने वाला मैं और तुम हो। तो मैंने भी क्या तगड़ा गेम खेला, मैंने उसके मॉम और डैड की आत्मा को दूसरी जगह नरक में छोड़ दिया है। अब अगर कोई जिंदा होगा तो वो मेरे डैड और मेरी मॉम जिंदा होंगी, जो इस दुनिया पर राज करेंगी और मुझे अपनी बेटी मान कर रखेंगी। उन्हें लगेगा कि मैं उनकी दूसरी बेटी से ज्यादा समझदार और दिमागदार हूँ। तो हिल्डेमन को लगेगा कि वो उसकी मॉम डैड है, बट पर दरअसल में वो मेरे मॉम डैड होंगे और मैं अपने मॉम डैड को जिंदा करके इस मिस्र का और लॉस एंजेलिस के महारानी बनाऊंगी। तो सच्ची में मेरा दिमाग काम कर गया ना डेविल लॉर्ड, और तुम मेरे मॉम के दामाद होगे और इस पिरामिड पे तुम्हारा राज होगा डेविल लॉर्ड, और हम मियाँ बीबी होंगे और दोनों लोग मिलकर फ्रैंकलिन और उसके सारे आर्मी को, पहली बात तो आर्मी को खत्म कर दिया मेरी बहन का बेटा और बच्चा फ्रैंकलिन और उसकी दो नमूनी कबूतरियां, उन्हें भी हम लोग खत्म कर देंगे, समझे ना डेविल लॉर्ड? ठीक है, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे मॉम डैड जिंदा हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस हेल डेमन को खुद अपने हाथों से मारकर खत्म कर दूंगी और मेरे मॉम डैड तुम और मैं इस किला पर राज करेंगे राज। इस बात का पता हेल डेमन को नहीं चलना चाहिए, वरना वो हम दोनों को खत्म कर देगा। हेल डेमन जब अपने मॉम डैड को जिंदा कर लेगा उसके बाद हम उसे खत्म कर देंगे और तुम्हारे मॉम डैड हमें अपना लेंगे, मैं उनका दामाद बन जाऊंगा और तुम उनकी बेटी, और फिर हम चारों मिलकर इस शहर पर हमला करेंगे और सबको खत्म करके हम अपना एक खुद का दुनिया बनाएंगे जहां पर हम जैसे लोग रहेंगे, सिर्फ हम जैसे। वाह मेरी गॉडेंस वाह, तुमने क्या दिमाग लगाया था। उधर डेविल गॉड और सिंचैन बचकर भागे थे ना, वो डेमन गॉड उन लोगों को ढूंढ कर खत्म ही कर देगा, फ्रैंकलिन को तो कोई नहीं बचा सकता। वाह गाइस कितने खतरनाक लोग हैं ये, किसी के भी सगे नहीं है। फाइनली आपने देखा इन लोगों ने कितना तगड़ा गेम खेला हेल डेमन के साथ। मुझे हेल डेमन को फटाफट से इनकी असलियत को बताना पड़ेगा कि हेल डेमन ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तुम जिन्हें जिंदा करने जा रहे हो अपने मॉम डैड समझ के, असल में तुम्हारे मॉम डैड की आत्मा आने ही न देंगे, उन्हें तो ये गॉडेंस हेल में छोड़कर चली आई और अपने मॉम डैड को जिंदा करना चाहती है और फिर हेल डेमन को मार देगी। और पूरी जिंदगी ये गॉडेंस डेविल लॉर्ड और उसके के मॉम डैड इस शहर पर राज करेंगे। तो ठीक है गाइस, मुझे इन लोगों को किसी को जिंदा नहीं होने देना है वरना मेरी सिटी खतरे में आ जाएगी। मुझे पहले फटाफट से डेमन क्वीन और रोज को ढूंढ कर यहाँ से निकलना है और डेमन हेल को ढूंढना है, उसे सारी बातें बतानी है इससे पहले कि ये लोग कोई गलती कर बैठे। फिर ठीक है पहले मैं अपने दोस्तों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो पता नहीं मैं बच के यहाँ से निकल पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। उससे पहले मैं अपने दोस्तों का कमेंट्स रीड कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्लीज शो माई कमेंट्स ऑन स्क्रीन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके ब्रो।
फ्रैंकलिन ओपी कंग्रेचुलेशन फॉर 36 के सब्सक्राइबर, विश यू मेनी मेनी मोर सक्सेस, प्लीज टेक इट माई कमेंट्स एंड माई नेम इज अंशुमन बालो। और सॉरी मैं अगली वीडियो में कमेंट्स नहीं कर पाया, असल में मेरे मोबाइल में नेट नहीं था। और हैप्पी टीचर्स डे, तो मेरे से बड़े हो इसलिए मुझे आशीर्वाद देना, मैं खूब तरक्की करूं लाइफ में। तो थैंक यू मेरे भाई, पहले आपने जो मुझे सब्सक्राइबर के लिए विश किया, और दूसरा ये है कि आप सॉरी बोल रहे हो कि आपने वीडियो में कमेंट्स नहीं कर पाया। इट्स ओके मेरे भाई, कोई बात नहीं है। और रही हैप्पी टीचर्स डे, तो और आपने कहा है कि मुझे आशीर्वाद देना, मैं खूब तरक्की करूं लाइफ में, तो मेरे भाई मेरी दुआ है कि आप लाइफ में बहुत ही ज्यादा तरक्की करोगे और बहुत ही ज्यादा सफल होगे, सक्सेस होगे। ये मेरी दुआ है, ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से, सफाकत हुसैन तलहा। तो थैंक यू आप लोगों ने इतना कमेंट्स किया और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, उस हेल्डेमन बेवकूफ को ढूंढता हूँ और उसको सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि उस बेवकूफ को नहीं पता है कि उसकी आंटी और अंकल ही उसे बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल उसकी आंटी अपने मॉम डैड को जिंदा करवाना चाह रही उसके हाथों से, ना कि उसके मॉम डैड को। और उस बेवकूफ को लग रहा है हेल्डेमन को कि उसकी आंटी उसकी हेल्प कर रही है और उससे प्यार करती है और उसके मॉम डैड को जिंदा करवाना चाहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आंटी उसके साथ गेम खेल रही है। भाई मुझे हेल्डेमन को फटाफट से ढूंढना है और सारी सच्चाई बतानी है, आखिर ये बेवकूफ किधर चला गया है। एक तो इतना बड़ा पिरामिड है कि यहाँ का रास्ता नहीं मिल पा रहा भाई, कि कहां से अंदर जाएं। भाई ठीक है ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट से मैं फ्रैंकलिन ओपी लिख ही दिया है, तो फ्रैंकलिन ओपी बनकर दिखाएगा दोस्तों। मुझे किसी भी हाल में उस हेल्डेमन की जान बचानी है, मुझे पता है दोस्तों उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बहुत ही धुलाई की, बहुत ही पिटाई की, और मुझे उसकी जान अब नहीं बचानी चाहिए। अगर वो मरता है अपने आंटी के हाथ तो मरने देना चाहिए, बट यार दोस्तों फ्रैंकलिन ऐसा नहीं है। फ्रैंकलिन जब सच्चाई जान जाता है कि बंदा अगला वाला गलत नहीं है, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फ्रैंकलिन उसकी हेल्प जरूर करेगा। उसने मुझे मारा, वो उसकी गलती है, वो एक दिन शर्मिंदा जरूर होगा, बट फ्रैंकलिन उसे मरने नहीं देगा यार दोस्तों। तो चलते हैं फटाफट से, उस बेवकूफ को बचाते हैं, उस हेल्डेमन को ढूंढते हैं और असलियत से रूबरू करवाते हैं। तो ठीक है, ये था दरवाजा, मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए अंदर की ओर। इधर ही गया है हेल्डेमन और इधर ही कहीं होगा, फटाफट से ढूंढ लेता हूँ भाई। ठीक है फ्रैंकलिन, चल 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 चल। अबे यार यहाँ तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है इधर हो हेल्डेमन, जल्दी मिल जाओ भाई। ये क्या, हेल्डेमन ने तो पूरा पिरामिड में अपने घर के जैसे बना रखा है। यहाँ पर लिफ्ट भी है बट लगता है काम नहीं करती यार दोस्तों। निकलते हैं पैदल ही, चलते हैं भाई लोग, जल्दी 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 जल्दी। तो कहाँ हो डेमन हेल भाई, किधर चले गए तू? ठीक है इधर की ओर चलते हैं। और ये पता नहीं कहाँ रह गई है रोज और डेमन क्वीन। भाई यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ पे तो कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुझे उसके डैड की मम्मी ढूंढनी पड़ेगी, मतलब कि जहाँ डेमन हेल के डैड की बॉडी होगी, मतलब मम्मी, वहीं पे वो होगा और वो वहीं पे उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहा होगा। और फिलहाल उसने हमें ढूंढ भी रहा होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि फ्रैंकलिन भाग चुका है। तो ठीक है यार दोस्तों, वो मुझे ढूंढ ही ले तो अच्छी बात है, मैं मिल जाऊं तो अच्छी बात है, ताकि मैं उसे सच्चाई बता सकूं। हाँ हाँ मुझे पता है वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, बट मुझे यकीन कराना पड़ेगा किसी भी हाल में, और उस गॉडेंस के मदर और फादर को जिंदा नहीं होने देना है कैसे भी करके दोस्तों। तो ठीक है जल्दी 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 चलता हूँ भाई। आप लोग क्या चाहते हैं कि गॉडेंस के मदर और फादर जिंदा हो जाए और हमारे शहर को तहलका मचाए? अगर आप चाहते हैं तो यस लिखिए, नहीं चाहते तो ना लिखिए, ठीक है, मतलब नो लिखिएगा। तो ठीक है भाई, डेमन हेल तू किधर है बे? अरे ये कहाँ लेकर आ गए डेविल गॉड, और हमें मरवाने का इरादा है क्या? हमें तो बस फ्रैंकलिन को बचाना है, और ये तो किसी गुंडे मवाली का एड्रेस लग रहा है भाई। सिंचैन थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर रखोगे, यहाँ पर जानते कौन रहता है? अर्थ गॉड के डैड, जिनसे हमें हेल्प लेनी है। अर्थ गॉड के डैड हमारी मदद जरूर करेंगे, अगर अर्थ गॉड के डैड नहीं होंगे तो अर्थ गॉड के ब्रदर जरूर होंगे, और वो फ्रैंकलिन को उस खतरनाक पिरामिड से निकालने में हमारी जरूर मदद करेंगे। हमें किसी भी हाल में फ्रैंकलिन को बचाना है, फ्रैंकलिन को मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो मेरे पीछे आओ सिंचैन, मुझे फॉलो करो। ठीक है। अबे यार इन चिपांजियों से कैसे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो सुनो चिपांजी, क्या तुम्हारे गॉड अर्थ गॉड घर पे है या उनका बेटा? अरे तुम कौन हो और क्या करने यहाँ पे आए हो? चलो निकलो, गॉड लोग बिजी है, समझो ना, अर्थ गॉड नहीं है घर पे,
चलो चलो निकल लो, ना ही उनके बैठे हैं, चलो जाओ जाओ, बोर नहीं करो, हटो यहाँ से। प्लीज देखो हमारी बात को समझो चिपैन जी, तुम हम पे गुस्सा मत निकालो। मुझे पता है मैंने खुद को खाने के लिए तुम्हारे सारे केले चोरी कर लिए थे। चिपैन जी प्लीज मैं सॉरी बोलता हूँ और मुझे जाने दो, हम बहुत मुसीबत में फंसे हैं, हमें फ्रैंकलिन को बचाना है। प्लीज चिपैन जी और मुझे जाने दो, फ्रैंकलिन की मौत हो जाएगी उस खतरनाक पिरामिड में, वो एक मौत का जाल है और वहाँ फ्रैंकलिन फंस चुका है। हमें तुम्हारे अर्थ गॉड की बेटी अर्थ गॉड से मदद चाहिए, प्लीज हमें जाने दो। अच्छा आई कार्ड दिखाओ तुम्हारे स्कूल के, तो हम जाने कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि खराब इंसानों के पास तो आई कार्ड होता नहीं है भाई। अबे यार तेरे पास आई कार्ड है क्या बे सिंचन? अरे हाँ था ना, मुझे स्कूल से मिला था, मेरा नाम और मेरी फोटो दोनों बहुत अच्छे थे, बट मैं लेकर नहीं आया ना, तो मैं कहाँ से आई कार्ड दूँ, और वैसे भी यहाँ पे आई कार्ड की क्या जरूरत है भाई। हाँ बे ये भी पागल है, तू हमें क्यों मना कर रहा है जाने से, सीधे सीधे जाने देना, मूड खराब हुआ भी पीट डालूंगा तुझे। अरे ज्यादा बात नहीं करना, हमारी पूरी फोर्स खड़ी है, वो अगल बगल देख रहे हो सब गन लेकर खड़े हैं, ऐसे एक गोली निकली सीने से आर पार जाएगी। अबे यार ये टाइम पास कर रहा, छोड़ इससे बात नहीं करते, आजा सिंचन दूसरा शॉर्टकट लेते हैं। अरे कौन सा शॉर्टकट डेविल गॉड बताओ। आजा बताता हूँ, हमें ये इज्जत से नहीं जाने दे रहे हैं, हम चुपके से दरवाल फांद कर कूद कर निकल जाएंगे, आजा पीछे पीछे मेरे, यहाँ से हम चलते हैं। अबे यार तो ठीक है हम लोग आ गए फाइनली, उन बेवकूफों ने हमें नहीं आने दिया और हम उस पीछे के रास्ते से आ गए, इज्जत का तो जमाना ही नहीं था, इज्जत से आ रहे थे तो आने नहीं दिया। अबे यार ये तो काफी बड़ी यहाँ पे देख रहे हो सार चिपाइंजी है, कहाँ पे होगा अर्थ गॉड भाई? किसी से पूछ लेता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, अर्थ गॉड किधर मिलेंगे या उनके बेटे किधर है? मैं यार मूड न खराब करो, सुबह से ऐसे गर्मी लग रही है, धूप में खड़े करे, चलो निकल लो आगे, जाओ ढूंढो, हम तुम्हारे नौकर हैं क्या, हाँ पगार देते हो काम का? अबे यार यहाँ पे जितने सब खतरनाक है, ठीक है मैं ही ढूंढ लेता हूँ खुद से अर्थ गॉड को किधर है भाई, ये चिंचन का बच्चा कहाँ रह गया? अरे मुझे अंदर जाने में डर लग रही है, क्योंकि ये चिपैंजी थोड़े हटेले होते हैं, इनके ये कभी भी सटक जाते हैं और हमला कर देते हैं, अगल पागल तो है, ये किधर चला गया है? डेविल गॉड, डेविल गॉड किधर है, किधर है डेविल गॉड? अभी ये खड़ा है डेविल गॉड, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए तो तुम सिंचन? अरे कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा था इन चिपैंजियों से। ठीक है चलो आओ मेरे पीछे, हम अर्थ गॉड से मिलते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, क्या चल रहा है, कौन है मेरे इसमें जबरदस्ती घुस आया है? हाँ कौन है, किसनी किसकी इतनी मजाल कि अर्थ गॉड के बेटे के महल में चला आया इसे ही सर उठाकर? बोलो कहाँ से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई बच्चे? दरअसल हमें तुम्हारी जरूरत है अर्थ गॉड के बेटे, फायर गॉड, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो फ्रैंकलिन उस पिरामिड के जाल में फंस कर मर जाएगा, वो फ्रैंकलिन की बलि दे देंगे। तुम्हें पता है ना कि हेल डेमन गॉड आ गया है और अपने मदर और फादर को जिंदा करना चाहता है, और उन्हें जिंदा करने के लिए तीन पवित्र आत्माएं चाहिए जिनके खून से वो जिंदा हो गए, तो वो डेमन क्वीन रोज और फ्रैंकलिन को पकड़ कर ले गए और हमारी सारी आर्मी को लोगों ने खत्म कर दिया है। हमारी हेल्प करो फायर गॉड, ताकि हम फ्रैंकलिन को बचाकर अपनी आर्मी फिर से बना सके। दोस्तों हमारी आर्मी में आपकी कौन कौन ऐड करें कमेंट्स करके तुम लोग जरूर बताना, और हाँ क्या तुम हमारी मदद करोगे फायर गॉड फ्रैंकलिन को उस खतरनाक पिरामिड के जाल से बचाने में? देखो बच्चे मेरे डैड तो अभी यहाँ पर नहीं है अर्थ गॉड, फिलहाल वो कहीं गए हैं, बट मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तुम उस पिरामिड की बात कर रहे हो ना जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक पिरामिड कहा जाता है, वहाँ पर जो जाता है वापस नहीं आता, और वो हेल डेमन अपने डैड मॉम को जिंदा कर देगा तो ये कहर बन के वो लोग हमारे ऊपर टूटेंगे, पर तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चलो हम फटाफट से निकलते हैं उस पिरामिड की ओर, फ्रैंकलिन को बचाकर उस हेल डेमन को खत्म कर देते हैं, ताकि वो अपने मॉम डैड को जिंदा ना कर सके। ठीक है, और उसकी आंटी गॉडेंस और उसके अंकल डेविल लॉर्ड को भी मारना है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम फिकर मत करो फायर गॉड किसी को नहीं छोड़ेगा, चलो आ जाओ मेरे साथ तुम सब, हम बचाएंगे फ्रैंकलिन को। वो तो सही है यार दोस्तों, हम लोग अपनी जान खतरे में डाल के उस खतरनाक पिरामिड में जा रहे फ्रैंकलिन को बचाने, बट फ्रैंकलिन जिंदा है कि नहीं जिंदा है ये हमें नहीं पता, अगर आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हो कि फ्रैंकलिन जिंदा है तो और अच्छी बात होगी। तो ठीक है चलो चलते हैं फायर गॉड, निकलते हैं हम यहाँ से। यार गाइस मैं उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, बट मुझे कहीं मिल नहीं रही है ना डेमन क्वीन, ना ही रोज, और ना ही वो बेवकूफ हेल डेमन जो अपने मॉम डैड को जिंदा करने के लिए अपने आंटी अंकल का सहारा,
कलेरा जो उसे बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे दोस्तों कोई भी नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। ना ही मुझे रोज मिल रही है, ना ही डेमन क्वीन, ना ही वो बेवकूफ डेमन हिल मिल रहा है। तो हमारी वीडियो यहाँ से खत्म होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और भाई कमेंट्स में जरूर बताना कि वो हिल डेमन बेवकूफ कहाँ भटक रहा है, ताकि मैं उसे ढूंढ कर सच्चाई बता सकूँ। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ शायद वो मुझे मिल जाए। मैं उसके डैड की मम्मी के पास जाता हूँ, अपने डैड के मम्मी के पास ही होगा, वो जिंदा करने गया होगा। तो ठीक है, चलते हैं यार दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।